तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास का टॉपिक है लीकेजेस इन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में लीकेजेस। आपको पता है हमारी मल्टीप्लायर की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें मल्टीप्लायर का मीनिंग, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, मल्टीप्लायर का डेरिवेशन, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मल्टीप्लायर का एमपीसी, एमपीएस के साथ संबंध, मल्टीप्लायर किस तरह से काम करता है उसकी वर्किंग, एंड मल्टीप्लायर का डायग्राम, हम ये सारी बातें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक देखना हो तो जस्ट इससे पहले वाले वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, या फिर उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ने आए हैं एंड इससे पहले वाली वीडियोस आप नहीं देखी, आपको उनकी नॉलेज नहीं है, तो मैं एडवाइस करूंगा इस टॉपिक से पहले एक बार आप वो देख लीजिए, तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक हालांकि बहुत सिंपल है, बट एडवाइस करूंगा एक बार आप उसको देख के आ जाइए। चलिए सो बात करते हैं लीकेजेस इन मल्टीप्लायर की, कि मल्टीप्लायर में लीकेज का मतलब क्या है। तो अगर मैं सिंपल सिंपल भाषा में बोलूं तो लीकेज का मतलब होता है वैल्यू का कम होना। तो जब हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू में कमी आती है, जब मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसी को लीकेजेस इन मल्टीप्लायर कहते हैं। एंड इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होने के क्या क्या कॉजेज है, किन वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू में कमी आती है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, अपने क्लास को। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल लिखा है कि लीकेज का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। लेकिन अब हम जानेंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू में कमी क्यों आती है, बट उससे भी पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। ये बेसिक बातें अगर आप लोग जान गए तो टॉपिक आपके लिए आगे पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो भाई मल्टीप्लायर की वैल्यू में कमी क्यों आती है, एक बार फॉर्मूले के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी आप इन दोनों फॉर्मूले को भूल जाइए, अभी समझिए मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो जरा समझने का ट्राई करना, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा वाई की वैल्यू कम हो जाए, मैथमेटिकली अगर आपको पता है ये ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर बोलूं कि देश में डेल्टा वाई की वैल्यू कम हो जाए, या मैं ऐसे बोल दूं कि देश में इनकम का जनरेशन कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी एंड हम लीकेज की तरफ पहुंच जाएंगे। लीकेज मतलब क्या, मल्टीप्लायर की वैल्यू का कम होना। भैया एक बार जरा पता कर दो कैसे, तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि डेल्टा आई मेरे पास 100 है और इनकम का जनरेशन कितना है, 300 है। तो अगर इनको डिवाइड करा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 आ गई। अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अब भी 100 है लेकिन इनकम का जनरेशन 200 है, इनको डिवाइड करा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आ गई। तो आप देख पा रहे हैं अगर डेल्टा वाई की वैल्यू कम होगी, इनकम का जनरेशन देश में कम होगा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आएगी। रीजन नंबर 1, यह बेसिक रीजन। उसके बाद प्रैक्टिकली एक और इसका बन सकता है रीजन, कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, अगर डेल्टा आई कम हो जाए तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब कैसे, वो ऐसे दिमाग लगाओ, अगर इन्वेस्टमेंट ही कम होगी, अगर आप देश में इन्वेस्टमेंट ही कम करोगे तो ऑटोमेटिकली वही इन्वेस्टमेंट क्या बनती है, इनकम बनती है ना। आपने इन्वेस्टमेंट कम करी तो ऑटोमेटिकली इनकम का जनरेशन कम ही होगा, एंड वही वाली बात, अगर इनकम का जनरेशन कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू में कमी आएगी। तो अगर देश में इनकम कम हो, देश में इन्वेस्टमेंट कम हो, तो मल्टीप्लायर में लीकेज देखने को मिलेगा। तीसरी बात समझने का प्रयास करो, अब आते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच एक तरह का पॉजिटिव रिलेशन होता है, या फिर डायरेक्ट संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और अगर एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी घटेगी। तो एक रीजन ये भी है कि अगर देश में कंजम्पशन कम हो, एमपीसी माने क्या, कंजम्पशन, अगर देश में कंजम्पशन कम हो तो भी मल्टीप्लायर में लीकेज देखने को मिलेगा। अब अगला, एमपीएस और मल्टीप्लायर में एक प्रकार का नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स संबंध होता है, ये बात भी आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर देश में एमपीएस की वैल्यू ज़्यादा, इट मीन्स अगर देश के लोग सेविंग करेंगे ज़्यादा, तो इससे क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। सो बेसिकली
प्रैक्टिकल एडवाइस अगर मैं फॉर्मूले से ही बात करूं तो मल्टीप्लायर में लीकेज होने के 4 कॉजेज है, देश में इनकम कम होना, देश में इन्वेस्टमेंट कम होना, देश में कंजम्पशन कम होना और देश में सेविंग का बढ़ना। इन 4 चीज की वजह से जो है देश में लीकेज होता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है। लेकिन अब इनको भी डिटेल में जानेंगे कि ये इनकम कम होने के क्या कॉजेज है, देश में इन्वेस्टमेंट कम होने के क्या कॉजेज है, देश में MPC कम क्यों हो रहा है, MPS क्यों बढ़ रहा है, अब इनके बारे में डिटेल में जानने का ट्राई करते हैं। पेपर में आपको ये लिख के नहीं आना, ये तो मैंने आपको बेसिक बात बताई। अब जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन PPT, आपको पेपर में वो लिख के आना है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे देश में मल्टीप्लायर में लीकेज होने के क्या कॉजेज है। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट बोला गया है सेविंग। यस, सेविंग इज द ग्रेटेस्ट लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। सिंपल सा मतलब है, अगर लोग देश में सेविंग कर लेंगे ज्यादा, अगर लोग देश में सेविंग करने लग जाएंगे ज्यादा, तो बोलता है हायर सेविंग मीन्स लोअर द कंजम्पशन। लोग सेविंग ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो कंजम्पशन कम करेंगे। लोग बैंक में जाके सेव कर रहे हैं ज्यादा, अपना खर्चा कर रहे हैं कम, अपना खर्चा कम करेंगे तो इससे क्या होगा, MPC कम हो जाएगा। एंड आपको पता है मल्टीप्लायर और MPC में क्या है, एक प्रकार का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर MPC कम होगा तो सिंपल हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो रीजन नंबर 1, सेविंग की वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है। एंड आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेविंग और MPS में, ये वाली बात कि सेविंग और MPS में एक प्रकार का इनवर्स संबंध होता है। अगर सेविंग करेंगे ज्यादा तो MPS की वैल्यू बढ़ेगी, एंड MPS की वैल्यू बढ़ने पर भी मल्टीप्लायर की वैल्यू घटेगी, लीकेज होगा। होपफुली रीजन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। रीजन नंबर 2 बोलता है पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट। मान लीजिए मैंने किसी से उधार ले रखा था, अब मैं अपना उधार चुका रहा हूं, तो मेरे पास से पैसा तो गया, मेरे पास से खर्चा तो हुआ, लेकिन क्या इस खर्चे से देश में कोई कंजम्पशन बढ़ा? अगर वही पैसा मैं गुड्स एंड सर्विस खर्च करने में लगाता तो इससे देश में कंजम्पशन बढ़ता, देश में MPC बढ़ता। और आपको पता है अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने खर्चा किया वो मैंने खर्चा अपने पुराने उधार को चुकाने में किया, जिसकी वजह से खर्चा तो हुआ लेकिन उस खर्चे की वजह से MPC नहीं बढ़ा, कंजम्पशन नहीं बढ़ा। और अगर MPC नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जी नहीं बढ़ेगी। तो ये भी एक रीजन है मल्टीप्लायर में लीकेज का। क्या बोलता है, द पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम विच इज यूटिलाइज इन द पेइंग ऑफ ओल्ड डेट, कि आपके पास जो पैसा आया बट उस पैसे से आपने अपना पुराना उधार चुका दिया, इज ऑब्वियसली नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इट मीन्स आपने उसको अपने कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया। इट लोअर्स द कंजम्पशन, इससे क्या होगा, आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम तो MPC कम, MPC कम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम। ये भी क्या है, एक अनदर लीकेज है मल्टीप्लायर का। देखो मैंने बोला ये 4 बेसिक बातें हैं, इन्हीं घूम फिर के हम इन्हीं 4 बातों पे आएंगे। एंड यही 4 मेन रीजंस है हमारे किसके, हमारे मल्टीप्लायर में लीकेज के, ठीक है। चलिए उसके बाद बोलता है परचेज ऑफ ओल्ड सिक्योरिटीज। मैंने पुराने शेयर डिबेंचर बॉन्ड खरीदे। अब इस वाले टॉपिक को समझने का ट्राई करना। देखो शेयर डिबेंचर बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक पुराने और एक नए। कोई कंपनी नई नई आई, सुनना बहुत ध्यान से, कोई कंपनी नई नई आई एंड उस कंपनी ने अपना IPO इशू किया, अपना IPO लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो बच्चे IPO नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि कंपनी आई एंड उस कंपनी ने पहली बार अपने शेयर्स इशू किए, तो क्या होगा, जनता जो है कंपनी के शेयर्स परचेस करेगी एंड कंपनी के पास पैसा आएगा एंड फिर कंपनी उस पैसे से आगे बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेगी। ये हो गए जब नए शेयर कंपनी ने इशू करे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनना बहुत ध्यान से, अगर कोई पर्सन कंपनी के नए शेयर परचेस करता है तो उस व्यक्ति के पैसा वो कंपनी के पास गया एंड कंपनी ने उससे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया। तो यहाँ पे उसका खर्चा, उस व्यक्ति का खर्चा गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, बिकॉज वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास गया एंड कंपनी उससे आगे बढ़ेगी, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेगी।
लेकिन यहां पे बोलता है कि उस पर्सन ने ओल्ड सिक्योरिटी परचेस करी। अब ओल्ड सिक्योरिटी परचेस करने का मतलब क्या है समझने का प्रयास करो कि ये कंपनी है इस व्यक्ति ने इस कंपनी से शेयर्स परचेस किए थे और उस व्यक्ति ने मान लो कंपनी को जो है एक लाख रुपए जो है शेयर्स के लिए दिए थे। तो इस व्यक्ति ने तो कंपनी से क्या करे एकदम नए नए शेयर परचेस करे ना, तो इस व्यक्ति ने जो खर्चा किया इससे तो चलो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ बिकॉज ये पैसा कंपनी के पास गया एंड कंपनी ने गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को बढ़ाया। अब मान लो ये एक और व्यक्ति है, अब इसने क्या करा, इसने ओल्ड शेयर खरीदे। ओल्ड शेयर खरीदने का मतलब है कि कंपनी से परचेस नहीं करे, ओल्ड शेयर का मतलब है कि अब जो भी शेयर होल्डर्स मार्केट में घूम रहे हैं उनसे शेयर परचेस करे। तो मैं इसके पास गया एंड मैंने इससे बोला कि भाई एक काम कर, अपने वो शेयर जो है ना मेरे को दे दे एंड मुझसे बदले में 1 लाख रुपए ले ले। इसको बोला ओल्ड शेयर परचेस करना। लेकिन अब सुनो, ये जो पैसा है ये पैसा इस व्यक्ति के पास गया, क्या इसका 1 लाख कंपनी के पास गया? नहीं, इसका 1 लाख कंपनी के पास नहीं गया। कंपनी के पास तो ऑलरेडी इन शेयर्स का पैसा पहुंच चुका है। अब ये शेयर्स लोग आपस में खरीद बेच कर रहे हैं, उससे कंपनी को क्या मतलब? कंपनी ने तो अपने शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी के पास पैसा आ गया। अब जो शेयर्स बचे हैं मार्केट में वो लोग आपस में खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं है, उससे कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा। ये पैसा अब बस इन दो लोग के बीच घूम रहा है, शेयर्स इसके पास चले गए एंड इसके पास 1 लाख रुपए आ गए। तो यहाँ पे जो मैंने ओल्ड शेयर्स परचेस करने में 1 लाख रुपए दिए, क्या इन 1 लाख रुपए को देने से कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। वो 1 लाख इस इंसान के पास गए एंड इस इंसान ने जाके मान लो कुछ भी कर लिया। मेरे 1 लाख देने से क्या कंपनी के पास पैसा पहुंचा? नहीं पहुंचा। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हम कोई भी ओल्ड सिक्योरिटी परचेस करते हैं तो उससे जो है कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, और कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे केवल राइट्स का, अधिकार का ट्रांसफर हुआ 1 लाख रुपए में, कि शेयर्स का अधिकार पहले इसके पास था, अब शेयर्स का राइट इसके पास पहुंच गए एंड इसने पैसा दे दिया। यहाँ पे केवल और केवल राइट्स का ट्रांसफर हुआ है, गुड्स एंड सर्विस का कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, कोई कंजम्पशन पे खर्चा नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप 12th क्लास के अंदर आपने नेशनल इनकम वगैरह पढ़ी हो तो वहाँ पर भी हमको पढ़ाया जाता था कि किसी भी तरह का शेयर डिबेंचर की खरीद बेच जो है नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती, बिकॉज वो कोई कंजम्पशन नहीं होता, वो केवल और केवल राइट्स का ट्रांसफर, अधिकार का ट्रांसफर होता है, उसको कंजम्पशन नहीं माना जाता। एंड कंजम्पशन नहीं है तो हमारा MPC नहीं बढ़ेगा, और अगर MPC नहीं बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा टिपिकल समझने के लिए था, बट होपफुली समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर वही लिखा है कि द पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम, अगर आप उसको यूज करते हैं ओल्ड सिक्योरिटीज खरीदने में यूज करते हैं, तो वही वाली बात, यहाँ पे भी जो खर्चा है उसे कंजम्पशन वाला खर्चा नहीं माना जाएगा, इट्स जस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी एंड राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, मनी और राइट्स का ट्रांसफर हुआ है, इससे गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, एंड ये क्या करेगा, ये भी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम कर देगा, ये भी क्या एक प्रकार का लीकेज है, क्योंकि इससे भी आपके MPC पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके कंजम्पशन यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को, कंजम्पशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। चलिए अगला है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट भी हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम करता है। अब इम्पोर्ट कैसे कम करता है, तो अगर मैं कोई गुड्स एंड सर्विस पर खर्चा करता हूँ लेकिन वो गुड्स एंड सर्विस बाहर की है, तो इस बार खर्चा मैंने बाहर किया, जब खर्चा मैंने बाहर किया तो क्या इंडिया के लोगों की इनकम जनरेशन हुई? आपको एक बात पता है, मैंने पढ़ा रखी है, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम बनता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर आप चाहते हो बढ़ाना तो इनकम भी एक फैक्टर है, अगर इनकम जनरेशन कम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम, अगर इनकम जनरेशन ज़्यादा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा। इस बार क्या हुआ, मैंने गुड्स एंड सर्विस पे खर्च तो किया
लेकिन वो गुड्स एंड सर्विस इंडिया की बनी हुई नहीं थी, मैंने बाहर की गुड्स एंड सर्विस पर खर्च किया, तो अल्टीमेटली मेरा पैसा कहाँ गया? मेरा पैसा देश के बाहर गया ना, मेरा पैसा देश के बाहर गया, तो इनकम भी तो फिर बाहर वाले बंदे की जनरेट हुई। क्या देश में इनकम का जनरेशन हुआ? नहीं हुआ। देश में इनकम का जनरेशन नहीं हुआ, इनकम का जनरेशन कम, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम। तो ये भी क्या है, इंपोर्ट भी एक तरह का लीकेज है। ठीक है, क्या बोलता है कि इंपोर्ट का मतलब है कि आपने गुड जो है बाहर एब्रॉड से परचेस करी है, तो अगर हम अपनी इनकम का एक पार्ट इंपोर्ट पर खर्च करते हैं तो ये विदेशी बंदों की इनकम बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम विल रेस्ट्रिक्ट द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में इनकम इंक्रीज नहीं होगी, हमारे देश में इनकम रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इनकम का जनरेशन नहीं होगा। एंड वही वाली बात, अगर इनकम का जनरेशन नहीं होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी, तो मल्टीप्लायर में लीकेज का एक कॉज क्या है, आपका इंपोर्ट भी है। होपफुली ये सारी की सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इन वीडियोस को पेपर से दो दिन पहले पढ़ रहे होंगे। भाई इतने टाइम से डाल रखे वीडियो, तब आप लोग कहाँ थे? तब आपसे पढ़ाई नहीं करी गई, क्यों भाई नालायक हो? तब तुमसे पढ़ा नहीं गया, तब तुम अपनी आशिकी में डूबे हुए थे। ठीक है, तब तुम प्यार में डूबे हुए थे, तब तुम बंदीबाजी, गर्लफ्रेंड ये सब कर रहे थे। वो रिप्लाई नहीं कर रही, वो बात नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, वो तुम्हें भाव नहीं दे रही, वो तुमसे उन्होंने बात करना बंद कर दिया, तुम पहले यहाँ से डूबे हुए थे, अब तुम्हें एंड में याद आ रही है कि चलो यार पेपर आ गए पढ़ाई कर लो। बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करने के लिए टाइम देना पड़ता है। समझ में आया कि दो दिन पहले पढ़ने बैठोगे तो ये सारी बातें कुछ समझ में नहीं आएगी। ठीक है भाई, एक एडवाइस देना चाहूँगा, मत भागो उसके पीछे। ठीक है, वो रिप्लाई नहीं कर रही, तुम्हें इग्नोर मार रही है, पहले साथ थी अब साथ नहीं है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, भाई भाई मत भागो उसके पीछे, क्योंकि जो अपना होता है ना, पहली बात वो भगाता नहीं है, और अगर वो भाग रहा है तो अब तुम कितने भी बड़े मिल्खा सिंह क्यों ना बन जाओ, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। वो भागना चाह रहा है, मत भागो उसके पीछे, अब तुम उसे नहीं पकड़ सकते। जिसको भागना होता है वो भाग जाता है, अब तुम रुक जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, आप तुम यहाँ हो और वो यहाँ पे, वो भाग रहा है भाग रहा है, भागने दो कोई, तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, जिसको जहाँ भागना है ना वहाँ तक भागने दो। तुम इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि उसे भागने दो, और तुम भागना मत, तुम छलांग लगाना, और तुम छलांग ऐसी लगाना कि अब वो भागते भागते तुम्हारे पास आना भी चाहे ना, तुम्हारे पास आना पाए। समझ में आ गया भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। जितना टाइम तुम इन सब चीज़ में वेस्ट बर्बाद कर देते हो ना, एंड में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी। एंड में ये पढ़ाई ही तुम्हारे काम आनी है, वो तुम्हारे काम नहीं आनी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, मैं भी एक लड़का हूँ, एंड हम लड़कों को अक्सर बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है। याद रखना, एक लड़के को केवल एक लड़का समझ सकता है, लड़की कभी समझ नहीं सकती। तो छोड़ो लड़की बाजी, लड़को पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, बहुत आगे जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। चलो भाई, तो आ जाओ पढ़ाई पे आ जाओ, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, अब एंड में आके पढ़ रहे हो ना, अब थोड़ा ध्यान रखना, अगली टाइम से स्टार्टिंग से ही लेक्चर देखना शुरू कर देना। ठीक है, नालायक कहीं के, यहाँ पे आओ। चलिए, तो हम मल्टीप्लायर में लीकेज की बात कर रहे थे, हम ऑलरेडी अपने चार पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, यस, हम चार पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है टैक्सेशन। यस, टैक्सेशन भी एक लीकेज है। भाई टैक्सेशन किस प्रकार लीकेज है? सिंपल सी बात है, अगर सरकार टैक्स लगाएगी ज़्यादा तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। अब हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम कंजम्पशन भी तो कम करेंगे, और कंजम्पशन कम तो एमपीसी कम, एमपीसी कम तो मल्टीप्लायर कम। तो ही बोलता है कि अगर गुड्स एंड सर्विस पे और हमारी इनकम पर अगर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो हम लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, जो हम लोग पैसा कमाते हैं, हमारी इनकम कम हो जाएगी, बिकॉज इनकम का बड़ा पोर्शन हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। 10,000 रुपये कमाता हूँ एंड मैंने 3,000 रुपये सरकार को टैक्स पे कर दिए, मेरी इनकम बची 7,000। अब मेरी इनकम कम, तो ऑब्वियस ही बात है, इनकम कम तो मेरा कंजम्पशन कम, मेरा कंजम्पशन कम तो एमपीसी कम, एंड अगर एमपीसी कम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, ओके।
अगला है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब आपको पता है कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है एंड कंपनी को उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है शेयर होल्डर्स के बीच एज अ डिविडेंड, और कुछ पैसा कंपनी अपने पास भी बचा के रखती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया तो जनता के बीच सारा ही बांट दिया। नहीं जी, कंपनी प्रॉफिट कमाने के बाद कुछ पैसा एज अ डिविडेंड जनता के बीच बांटती है एंड कुछ पैसा कंपनी अपने पास रखती है ताकि भविष्य में कंपनी को आगे चलाया जा सके, थोड़ा ऑपरेशन के लिए काम करने के लिए कुछ पैसा कंपनी अपने पास भी रखती है। अब मेरी बात सुनो, अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखेगी और जनता के पास पैसा कम जाएगा तो इससे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। बिकॉज अगर कंपनी अपने पास पैसा रखेगी ज़्यादा तो इसका मतलब है कंपनी सेविंग कर रही है ज़्यादा। कंपनी के पास जो पैसा अपने पास रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, या फिर बताऊँ इसका एक नाम और है, हम इसको कॉरपोरेट सेविंग भी कहते हैं। अब वही कॉरपोरेट सेविंग, तो अगर कंपनी कॉरपोरेट सेविंग करेगी ज़्यादा, पैसा जनता में कम बांटेगी, अपने पास एज अ सेविंग रखेगी ज़्यादा, तो वही वाली बात, देश में सेविंग ज़्यादा। सेविंग ज़्यादा इट मीन्स MPS ज़्यादा, और अगर MPS ज़्यादा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम। तो ये भी क्या एक तरह का लीकेज है जो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम करता है। क्या बोलता है? जो कॉरपोरेट हाउस है वो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने शेयर होल्डर्स के बीच, वो इसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट एज अ रिजर्व फंड के रूप में या एज अ कॉरपोरेट सेविंग के रूप में रखते हैं। ठीक है, दिस इज लाइक आइडल सेविंग। ये क्या है? कंपनी की एक सेविंग है जो खाली पड़ी हुई है, अभी उसका कोई यूज नहीं है। एंड अब क्योंकि ये सेविंग है तो सेविंग क्या है? ये सेविंग एक प्रकार का लीकेज है जिससे मल्टीप्लायर की वैल्यू में क्या आती है? कमी आती है। तो यस, ये भी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम करता है। अगला है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है? तो लिक्विडिटी का बच्चों मतलब होता है अपने पैसे को कैश की फॉर्म में रखना, लिक्विड फॉर्म में रखना। तो बोलता है कि जो हमारा एक व्यक्ति होता है, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है, वो अपने पास कुछ पैसा कैश की फॉर्म में रखना पसंद करता है। किस पर्पज से? पहला, प्रिकॉशनरी मोटिव से। अगर कोई व्यक्ति अपने पास पैसा प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है कि मैं अपने पास घर में कुछ पैसा कैश में रखता हूँ इमरजेंसी के लिए, कि कल को घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई और मान लो मेरे पास कैश नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं घर में 2-3 लाख रुपए जो है इमरजेंसी के रूप में कैश में भी रखता हूँ कि इमरजेंसी में कभी तुरंत पैसे की नीड पड़ गई तो वहाँ से निकाल लूँगा। या पर कुछ लोग पैसा स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी अपने पास कैश में रखते हैं कि मैंने अपने घर में कुछ पैसा कैश में रखा हुआ है कि अगर मुझे कहीं पर अचानक से सट्टेबाजी करनी पड़ जाए, सट्टेबाजी मीन्स कि अगर मुझे अचानक से वो पैसा कहीं पर लगाना पड़ जाए जिससे कि मेरी इनकम बढ़े, जिससे कि मेरे को थोड़ा प्रॉफिट मिले, जिसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो जो लोग हैं वो पैसा अपने घर में इमरजेंसी के लिए या स्पेक्यूलेटिव पर्पज, सट्टेबाजी के पर्पज से अपने पास पैसा घर में रखते हैं। अब बताओ, अगर ये प्रेफरेंस बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिकॉशन के लिए एंड स्पेकुलेटिव के लिए अपने पास रखेंगे तो इससे क्या होगा? इससे मार्केट में पैसा कम जाएगा तो मार्केट में इनकम का जनरेशन भी कम होगा, एंड मार्केट में अगर इनकम का जनरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम। तो वही लिखा है कि लोग जो है प्रिफर करते हैं अपने मनी को प्रिकॉशनरी मोटिव या फिर स्पेक्यूलेटिव मोटिव में अपने पास कैश में, लिक्विड माने क्या, कैश में रखने के लिए। देन दे विल कीप अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम विद देम। तो वो अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कैश में अपने पास रखते हैं। दे विल नॉट स्पेंड दैट मनी ऑन कंजम्पशन, और वो उस पैसे को कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते, वो पैसा मार्केट में नहीं जाता, कंजम्पशन पे खर्च नहीं होता। अब वही वाली बात, इससे क्या होता है? इससे कंजम्पशन कम हो जाता है। अब वही वाली बात, अगर कंजम्पशन कम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गया? एंड लीकेज का जो आखिरी कॉज है दैट इज इन्फ्लेशन, दैट इज महंगाई। अब बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं। अब एक बात मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जिस इनकम की बात करते हैं ना, ये इनकम बच्चों होता है रियल GDP,
ये इनकम होती है रियल इनकम, या फिर इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। आपको शायद आपने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ रखा हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, एक होता है रियल जीडीपी रियल इनकम, और एक होता है नॉमिनल जीडीपी या फिर नॉमिनल इनकम। ये वाला जीडीपी रियल जीडीपी केवल तभी इंक्रीज होता है जब एक्चुअल में देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो, जबकि नॉमिनल जीडीपी ये क्या होता है, अगर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हुआ ये तब भी इंक्रीज हो सकता है देश में प्राइस बढ़ने की वजह से, देश में महंगाई बढ़ने की वजह से। ये वाला जीडीपी अच्छा नहीं माना जाता बिकॉज ये देश में एक्चुअल पिक्चर को शो नहीं करता, ये केवल बढ़ गया देश में प्राइस या महंगाई बढ़ने की वजह से, एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ये शो नहीं करता। एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन रियल जीडीपी शो करता है, समझ में आ गया। और देश में यही वाला अच्छा होता है क्योंकि रियल जीडीपी बताता है कि देश में वास्तव में एक्चुअल में कितनी गुड्स एंड सर्विस बढ़ी, बिकॉज गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगी तभी तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये जीडीपी अच्छा है एंड ये वाला अच्छा नहीं होता। तो मल्टीप्लायर में हम जिस इनकम की बात करते हैं वो रियल जीडीपी होता है, वो नॉमिनल नहीं होता। होपफुली ये मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि इनकी नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब जरा समझने का प्रयास करना। ये बोलता है अगर प्राइस बढ़ते हैं तो बताओ प्राइस के बढ़ने पे क्या होता है। प्राइस के बढ़ने पे हमें सेम अमाउंट के लिए पहले से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए ये पेन है, ये पेन मान लीजिए 10 रुपए का आता है, अब अगर प्राइस बढ़ गए और ये पेन 15 का हो गया तो अब क्या होगा, मैं 10 के स्थान पर 15 पे कर रहा हूं, मैं खर्चा ज्यादा कर रहा हूं, पहले 10 रुपए खर्च कर रहा था अब 15 रुपए खर्च कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या इससे गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो क्योंकि लोगों को लग सकता है कि भैया आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, आपके कंजम्पशन की वैल्यू बढ़ गई, आपने पहले 10 रुपए खर्च किए अब आप 15 रुपए खर्च कर रहे हो, कंजम्पशन ज्यादा। एंड हमको पता है कि कंजम्पशन और मल्टीप्लायर में संबंध होता है पॉजिटिव। कंजम्पशन बढ़ेगा इट मीन्स एमपीसी बढ़ेगा, एमपीसी बढ़ेगा इट मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। अरे रुको रुको, थम जाओ भाई, यहां बात हो रही है महंगाई की। यहां भले ही मेरा कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन भले ही मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, 10 के स्थान पे 15 रुपए खर्च हो रहे हैं बट कंजम्पशन तो मुझे एक पेन का हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या वास्तविकता में जीडीपी का प्रोडक्शन बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्या वास्तविकता में इनकम बढ़ी, नहीं बढ़ी। एंड जब इनकम ही नहीं बढ़ी तो मल्टीप्लायर कैसे बढ़ जाएगा? तो महंगाई भी एक लीकेज है। क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ते हैं देन अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंक्रीज इनकम विल बी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के लिए हमें पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इन द सिचुएशन इस केस में क्या होता है, ओनली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन इंक्रीज, कि उस कंजम्पशन की केवल मनी वैल्यू बढ़ रही है, कि जहां पे 10 रुपए खर्च कर रहे थे अब 15 रुपए खर्च कर रहे हैं बट एक्चुअल में एमपीसी नहीं बढ़ रहा, एक्चुअल में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। समझ में आ गया? ठीक है, लिखा है। और आगे ये भी बोलता है एक्चुअल में इनकम भी नहीं बढ़ रही बिकॉज जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विस ज्यादा नहीं बनेगी तब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका जो है ये डेल्टा वाई नहीं बढ़ेगा, और अगर ये नहीं बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी नहीं बढ़ेगा। तो क्या बोलता है, इस स्थिति में केवल कंजम्पशन की मॉनेटरी वैल्यू बढ़ रही है, नॉट द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम, एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम है वो नहीं बढ़ रहा। आपका एक्चुअल इनकम इट मीन्स जो हमारा क्या है रियल जीडीपी वो नहीं बढ़ रहा। समझ में आ गया? ऐसे केस में इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी 1 रहेगी या फिर आप बोलो लो रहेगी। अब एक बच्चा बोल रहा भैया ये वैल्यू 1 क्यों रहेगी? अरे सिंपल सी बात है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC, 1/1 - भाई साहब यहाँ पर अगेन यहाँ पे हमारा कंजम्पशन वाला खर्चा बढ़ा है बट एक्चुअल में कंजम्पशन नहीं बढ़ा, और एक्चुअल में जब कंजम्पशन ही नहीं बढ़ा तो यहाँ पर मेरी एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज एक्चुअल में कंजम्पशन नहीं बढ़ा तो एमपीसी 0। तो इसमें क्या होगा, 1/1 मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी 1 रहेगी। समझ में आ गया?
सो ये है हमारे कुछ रीजंस जिनकी वजह से मल्टीप्लायर में हमको लीकेज देखने को मिलता है। तो होपफुली समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।